हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने nth टर्म्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई b। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ एन एन टर्म। इट मीन्स एन एन टर्म्स जो हमारे पास गिवन एपी होगी उसमें सम फाइंड करना किसी भी एन एन टर्म का। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बी। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बी, वेयर स्मॉल ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, बी इक्वल टू डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, और जो टर्म्स हमें फाइंड करनी, जैसे 10 टर्म हमें फाइंड करनी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 5 टर्म्स फाइंड करनी है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए को हम राइट कर सकते हैं ए प्लस ए, तो ये हम राइट कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। इट मीन्स लास्ट टर्म, इसको हम स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं और an से भी डिनोट करते हैं। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस n। ये जो है हमारे पास लास्ट टर्म है, इट मीन्स nth टर्म है, इसको l से भी डिनोट करते हैं हम स्मॉल l से भी। तो सेकंड फॉर्मूला हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सम ऑफ nth टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एन, वेयर ए से हमें फर्स्ट टर्म, हमारे पास ए तो फर्स्ट टर्म होती है और स्मॉल l क्या है लास्ट टर्म। After that we are discuss exercise 5.3। 5.3 का first question हम discuss करते हैं, find the sum of the following a। Given AP हमारे पास 2, 7, 12 तो 10 terms का हमें sum find करना है। तो सबसे पहले हम formula write करेंगे, Sn sum of n terms, Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 multiply फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन एन टर्म। अब गिवन एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इक्वल टू टू, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का मेथड हमारे पास सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, इट मीन्स ए टू माइनस ए वन, सेवन माइनस टू, सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी, सेवन और फर्स्ट टू, सेवन में से टू माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा हमारे पास 5। n की वैल्यू है हमारे पास, देखिए कितने टर्म्स का फाइंड करना है, 10 टर्म्स का, इट मींस n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 10। अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज, s n की जगह हम क्या रखेंगे 10 इक्वल टू, क्योंकि 10 टर्म्स का फॉर्मूला वो 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, 10 अपॉन 2 वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए 2 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस, बी की वैल्यू कितनी 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंप्लाइज दैट एस 10 इक्वल टू 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5, 2 टू जा 4,
प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 इज 45, ये आएगा हमारे पास 5 ब्रैकेट 45 प्लस 4 49, 49 इंटू 5 कर देंगे, 9 5 इज 45, 4 कैरी, 5 4 इज 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, तो यह आ जाएगा हमारे पास एस 10 इक्वल टू 245। एंड सम ऑफ 10 टर्म इज 245 टर्म्स। जो गिवन एपी में 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास 245। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। अब इसमें हमें ये गिवन नहीं है कि कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, गिवन एपी में हमें टर्म्स पता नहीं, तो सबसे पहले हम टर्म्स फाइंड करेंगे, इट मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन एफ फॉर्मूला यूज कर, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। हम इसमें वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं, 10 टू जो 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 माइनस 7, अपॉन में 1 लगाकर एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 21 माइनस 7 टू जो 14, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 अपॉन 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 अपॉन 2। लास्ट टर्म हमें पता है, इट मीन्स ए एन की वैल्यू पता है हमें 84, तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, ए एन कितना है 84 इम्प्लाइज दैट इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7 अपॉन, सिंप्लीफाई कर देंगे 84 इक्वल टू 7। अब देखिए आप इसको प्लस का 7 टू ट्रांसफर कर देंगे, 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 84 में से 7 माइनस करेंगे, देखिए एलएचएस और आरएचएस टर्म्स को इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको एडिटिव इधर राइट कर देंगे, इसको एडिटिव इधर राइट कर देंगे, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस करते हैं 84 में 7 77। अब देखिए जो चीज डिवाइड में होती है किसमें चली जाएगी, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, इक्वल को उधर ट्रांसफर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, 7 में जो 7, 7 में जो 7, 7 में जो 7, 11 टाइम्स कैंसिल हो गए, 11 टू 22, माइनस के 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे एन इक्वल टू 22 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23, तो n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 23। इसका मतलब हमें अब टोटल टर्म्स टर्म्स पता लग गए कि कितने टर्म्स का हमें फाइंड करना है, गिवन एपी में टोटल कितने टर्म्स है 23। अब हम सम का फॉर्मूला यूज करके सम फाइंड कर देंगे, एस एन इक्वल टू ए प्लस एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, या आप सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कौन सा वाला है, और एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन, ये भी यूज कर सकते हो, इससे शॉर्ट में हो जाएगा हमारे पास, कोई सा भी आप एक यूज कर लो आंसर सेम ही आएगा, तो अगर हम ये यूज करें तो आंसर देखते हैं, एस एन वैल्यूज पुट करेंगे हम, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23, एन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 23 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 7, ए की वैल्यू 7 है, और लास्ट टर्म हमें पता है 84। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एस 23
equal to 23 upon 2, 84 plus 7 plus कर लेते हैं 91. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं एस 23 into 91 upon 23 into 91 करेंगे देखिए क्या आएगा हमारे पास 9 3 27 to carry 9 2 18 18 plus 2 20 3 9 0 2 2 0 9 3 upon में 2. अब 2093 में 2 का डिवाइड करके देखते क्या है 2093 में 2 का डिवाइड करके हमारे पास आया है 2 1 0 2 0 का 0 9 2 4 8 1 3 2 6 12. आप मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में देना चाहो तो डेसिमल का आंसर दे सकते हैं. ये आएगा हमारे पास एस 23 इट मीन्स सम ऑफ 23 टर्म्स. ये आएगा हमारे पास आंसर 1046.5 दैट इज आंसर.